पिछले दो दिनों हुई सिद्धार्थ नगर जिले की बारिश ने अब विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। इस बारिश की वजह से जिले की सारी नदियां लगभग उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण नदियां अब कटान करने लगी। इस कटान से कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। ताजा मामला जिले के सदर तहसील के मिलिया गांव का है। यहां पर कुरा नदी कटान कर रही है। इस कटान से तटबंध लगभग आधा कट गया है। अगर बांध पूरा कटता है नदी पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेगी, जिससे इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ग्रामीण पूरी रात जग कर बंधे की रखवाली करते हैं ताकि बांध कट ना जाए। अगर समय रहते जिम्मेदार नहीं चेते तो इस बांध के कटने से दर्जनों गांव नदी में विलीन हो जाएंगे। इसके जी बांध को अभी तक कोई भी जिम्मेदार सुधी लेने नहीं आया। कट रहे इस बांध पर सिंचाई विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटा है। यहां तक कि अभी तक सिर्फ इस कटान को रोकने के लिए पेड़ की टहनियों से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई भी जिम्मेदार अभी यहां तक नहीं पहुंचा। वो अपने स्तर से कटान रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पर जल्द से जल्द कोई पहल किया जाए, नहीं तो उनका गांव पूरी तरह से नदी में विलीन हो जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि बांध को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कटान रोकने के लिए संबंधित को आदेश दिया जा चुका है। बांध को कटने नहीं दिया जाएगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। कैसे है, क्या दिक्कत है? बंधा कट रहा है, कहाँ जाए भाग के? कोई शासन अधिकारी कोई नहीं आ रहा है। कितना तकलीफ है इससे? कितना डर आप लोगों को? बहुत तकलीफ है। डर कितना है? बहुत डर है। कैसे कैसे आप लोग रात बिताते हैं यहाँ पे? बस बंधे पर रह के देखते हैं, झांगा पाता लगाते हैं। बस झांगा पाता लगाते हैं। अभी जो सूचना मिली है तो उधर जो कटान हो रहा है वो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बंधा अभी सुरक्षित है। अभी एक्शन साहब भी खुद इसको विजिट किए हैं जो ड्रेनेज खंड के हैं, और उनके द्वारा ये सूचित किया गया है कि साहब अभी वो सुरक्षित है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी जगह पे अभी बंधे सारे सुरक्षित हैं, और जैसा आप देख रहे हैं कि पानी भी जो दो दिन की बारिश हुई थी उसकी वजह से काफ़ी आया था, पर अब वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या कर रहा है, इससे बहुत भारी दिक्कत है। गाँव पर पूरा खतरा है, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा झांगा पाता डलवा दिया गया है, ठीक, न कोई आता है न जाता है। और पूरी रात हम लोग जो है अपने स्तर से मेहनत करते हैं, उस पर जो भी होता है हम लोग अपना काम करते हैं, भी करते हैं। और इससे ज्यादा कोई जो है सुनवाई नहीं हो रहा है, न कोई ऊपर से आ रहा है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।